नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। बिहार में किसानों को एक मंच पर मिलेगी 25 सुविधाएं। बिहार के इन 12 जिलों में डॉक्टरों पर जीपीएस के जरिए रखी जाएगी निगरानी। अब घर बैठे मिलेगा जमीन संबंधी डॉक्यूमेंट्स। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे ये क्रिकेट खिलाड़ी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा और राज्यसभा में दलों के नेता, संसद सदस्य, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य के द्वारा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 गुमनाम द्वीपों का नामकरण किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के दिन को आने वाली पीढ़ियां आजादी के अमृतकाल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद करेगी। बिहार में किसानों को एक मंच पर मिलेंगी 25 सुविधाएं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, इसके लिए प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को बहुसेवा केंद्र और एकल खिड़की एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए विकसित किया जा रहा है। बता दें कि किसानों को अब एक मंच पर 25 सेवाओं को उपलब्ध कराने और तकनीक द्वारा उनका कुशल प्रबंधन की पहल के तहत बिहार में पहले चरण में 2500 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जिसके बाद 50,000 रुपए प्रति पैक्स की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैक्स भी कॉमन बैंकिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर होगी, जिसमें रोजाना के कार्यों में एक सामान्य लेखा प्रणाली लागू की जाएगी। ईओयू की बड़ी कार्रवाई, आरोपी हुआ अरेस्ट। ईओयू के द्वारा एक बार फिर बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस बार ईओयू के द्वारा बेगूसराय के विकास विद्यालय सेंटर में छापेमारी की गई और वहां के अकाउंटेंट रोशन कुमार की गिरफ्तारी की गई है। वहीं इस गिरफ्तारी के बाद ईओयू का कहना है कि रोशन कुमार के द्वारा एग्जाम शुरू होने से पहले ही प्रश्न पत्र का मोबाइल से फोटो खींचकर एक कैंडिडेट को भेज दिया गया था, लेकिन जिस कैंडिडेट को भेजा गया था वह एग्जाम देने आया नहीं था, जिसके बाद रोशन कुमार एग्जामिनेशन हॉल में जाकर प्रिंसिपल का नाम लेकर क्वेश्चन पेपर ले लिया और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर फोटो ले ली, जिसके बाद जब ईमेल पर भेजे गए क्वेश्चन पेपर के बारकोड के आधार पर जांच हुई तो यह बात सामने आई। पटना में आज से 5 केंद्रों पर मिलेगा कोविशील्ड वैक्सीन। आज से पटना के 5 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन मिलने लगा है। फिलहाल पटना जिले को 120 वायल दी गई है, जिसमें 1200 डोज दी जा सकेगी। बता दें कि पटना के जिन 5 केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन मिलना शुरू हुआ है उनमें IGIMS, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल पटना सिटी, अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर, गर्दनीबाग अस्पताल और न्यू गार्डनर रोड अस्पताल शामिल है। यानी कि अब जो भी लोग कोविशील्ड का इंतजार कर रहे थे वे सभी लोग आज से इन 5 केंद्रों पर कर वैक्सीन ले सकते हैं। इस बात की जानकारी DIO डॉक्टर SP विनायक के द्वारा दी गई है। बिहार के इन 12 जिलों में डॉक्टरों पर जीपीएस के जरिए रखी जाएगी निगरानी। बिहार के 12 जिलों में AES को लेकर बनाए गए वार्ड में डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी अपनी ड्यूटी पर हैं या नहीं, इस पर नजर रखा जाएगा। बता दें कि यह निगरानी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी के मोबाइल में लगे जीपीएस के द्वारा रखी जाएगी, जिसमें उनके लोकेशन के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। इस दौरान जिस डॉक्टर की ड्यूटी AES वार्ड में लगा होगा वे कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं, इसके लिए उन्हें सेल्फी लेकर ऐप में डालना होगा। ऐसे में जब भी अपनी सेल्फी ऐप पर भेजते हैं उस वक्त की टाइम ऐप पर दर्ज हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूची में जिन 12 जिलों के नाम शामिल है उनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली जिला शामिल है। बिहार के दिवांशु और उसकी टीम के स्टार्टअप को मिली बड़ी सफलता। बिहार के गया के दिवांशु और उसकी टीम के स्टार्टअप को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि इनके स्टार्टअप को स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट टीवी शो शार्क टैंक में न केवल सराहना की गई है बल्कि बड़ा इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिवांशु का यह शो सोनी लाइव टीवी पर रात 10 बजे दिखाया जाएगा। इनका प्रस्ताव 2% इक्विटी पर 90 लाख इन्वेस्टमेंट का था। बता दें कि उनका स्टार्टअप सेप्टिक टैंकों की रोबोटिक सफाई व पाइपलाइन इंस्पेक्शन को लेकर है। इन्होंने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो सिविर या सेप्टिक टैंक के अंदर जाता है और जरूरत के हिसाब से कमांड देने पर अंदर की गाद बाहर ले आता है। मालूम हो कि छोटे रोबोट से सिविर या टैंक की सफाई 15 मिनट में तो वही बड़े टैंक से सफाई करने में 45 मिनट का समय लगता है।
जीविका दीदी को मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन नवादा जिले के बुधौल में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास में दीदी की रसोई का उद्घाटन किया और जीविका दीदियों को नई जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अब बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तथा सरकारी छात्रावास में दीदी की रसोई की जल्द से जल्द शुरुआत करवाई जाए। इसके साथ उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नवादा में बहुत तेजी से गंगा जल आपूर्ति योजना का काम चल रहा है और जल्द ही यहाँ के लोगों के घर घर तक गंगा जल पहुंच जाएगा। अब इसके आगे क्या करना है, इसी का जायजा लेने नवादा आए हैं। अब घर बैठे मिलेगा जमीन संबंधी डॉक्यूमेंट्स। अब लोगों को अपनी जमीन से जुड़ी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि बिहार सरकार के राजस्व एवं गन्ना विकास मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब राजस्व विभाग के द्वारा घर तक जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को भेजा जाएगा। इसके लिए राजस्व विभाग के द्वारा एक ऐप तैयार किया जा रहा है, जिसे डाउनलोड करने पर भू स्वामी के द्वारा आवेदन किए जाने पर उन्हें डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही विभाग के द्वारा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी तरह की अपडेटेड इक्विटी उपलब्ध होगी। इस ऐप के आने से न केवल लोगों को बल्कि विभाग को भी काफी सुविधा मिलने वाली है। जातीय गन्ना के पहले चरण की रिपोर्ट सौंपने की इस तारीख तक मिली मोहलत। बिहार में जाति आधारित गन्ना का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार के कई ऐसे जिले हैं जिनका पहला चरण का रिपोर्ट अभी तक नहीं सौंपा गया है, जिसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेश जारी कर सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया गया है कि एक बार फिर वे सभी रिपोर्ट को देख परख ले और जो भी गड़बड़ियां मिलती हैं उनमें सुधार कर 25 जनवरी तक रिपोर्ट जमा करवा दें। वहीं वैसे जिले जिनके द्वारा रिपोर्ट जमा कर दिया गया है उनकी रिपोर्ट की समीक्षा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा की गई है, इसके बाद ही समेकित रिपोर्ट जारी की जाएगी। इसके साथ ही वैसे कर्मी जिनके द्वारा कार्य को पूरा करने में लापरवाही बरती गई है उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा चिन्हित किया जा रहा है, जिसके बाद जांच करने के बाद इन पर कार्रवाई की जाएगी। जहरीली शराब के सेवन से फिर हुई मौत। जहरीली शराब पीने से एक बार फिर मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि ताजा मामला सिवान जिले का है, जहां मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब तक जहरीली शराब से 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर परिजनों का कहना है कि इन लोगों की यह हालत जहरीली शराब पीने से हुई है। वहीं इस मामले पर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इनकी मौतें कैसी हुई है। डीएम अमित कुमार पांडे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शव को बरामद कर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। राजद द्वारा कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर राज्य देश और संविधान बचाओ आयोजन। आने वाले 24 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल द्वारा राज्य देश और संविधान बचाओ का कार्यक्रम बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के 540 प्रखंडों में यह कार्यक्रम पार्टी द्वारा आयोजित की जानी है। किस तरह से देश का संविधान खतरे में है, इस बात का संदेश पार्टी के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता द्वारा दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार पार्टी द्वारा एक विशेष प्रकार का आलेख छपवाया जा रहा है। राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार राजद भले ही इस आयोजन को दूसरा नाम दे, लेकिन वो यह आयोजन वोट बैंक के नाम पर कर रही है। कुशवाहा के दावे पर नीतीश कुमार का बयान। बीते दिन जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा यह दावा किया गया था कि जदयू के बड़े बड़े नेता बीजेपी की संपर्क में है, जिसके बाद यह कयास लगाए जाने लगे कि कुशवाहा किन बड़े नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं। वहीं अब कुशवाहा के दावे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि वह क्या बोलना चाहते हैं वह मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से वही जानते होंगे। वहीं किन बड़े नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं वह हमसे ज्यादा अच्छे से वही बता सकते हैं। वहीं इससे पहले भी कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने को लेकर नीतीश कुमार के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी। सीएम नीतीश ने कसा भाजपा पर तंज। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के दौरान नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने नवादा के ऑडिटोरियम में जीविका दीदियों से संवाद करते हुए कहा कि जब हम उन लोगों के साथ थे तो शराबबंदी की तारीफ करते थे, लेकिन जब से अलग हुए हैं तब से कुछ काबिल विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दारू ठीक चीज है, पियेंगे। उन्हें मेरे खिलाफ जितना बोलना है बोलने दीजिए। शराबबंदी महिलाओं और सबकी इच्छा से लागू की गई है। शराब न केवल इंसान के पैसे को छीन लेता है बल्कि उनकी बुद्धि को भी खत्म कर देता है और अब इससे पीछे हटने की बात ही नहीं आती है। हम विरोधियों के सामने झुकेंगे ही नहीं। बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे ये क्रिकेट खिलाड़ी। 23 जनवरी की सुबह यानी कि आज की सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ी उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, बॉलर कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर शामिल थे। बता दें कि इन तीनों खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल मंदिर गर्भगृह में भस्म आरती दर्शन के बाद महाकाल का जल अभिषेक किया और आशीर्वाद लिया। इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने धोती 16 पहन रखा था। वहीं भस्म आरती के बाद सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महाकाल के दर्शन के बाद बहुत अच्छा लगा। हमने ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होने की कामना की है क्योंकि उनकी वापसी बहुत जरूरी है। हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही सीरीज जीत ली है, अब उनके खिलाफ फाइनल मैच का इंतजार है।
जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, जिसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल की कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रिंस कुमार पीयूष, रंजीत मिश्रा, नुसरत बनो, कुमारी संजना, दीपक कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, नन्नो गोलू कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद नौशद राजा, शंकर मुखिया, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, असरफी मंडल, मुट्टू रंगीला, राजेश कुमार राज, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक बिहार में बने मुख्यमंत्री में आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।